नमस्कार, मैं खुशबानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 30 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है हरतालिका तीज। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया इतने दिनों का अल्टीमेटम। बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय, 17 जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के बिहार आगमन पर कही ये बात। हार्दिक के लिए किया गया वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हुआ वायरल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है हरतालिका तीज। आज यानी 30 अगस्त को सनातन धर्म की विवाहित और कुंवारी महिलाएं तीज व्रत कर रही हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। हरतालिका तीज का व्रत भी मनपसंद पति और खुशहाल वैवाहिक जीवन पाने के लिए किया जाता है और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत किया जाता है। वहीं तीज व्रत को लेकर एक दिन पहले से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। खासकर विवाहित महिलाएं तीज व्रत को लेकर महीने दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं और इस अवसर पर जमकर खरीदारी भी करती हुई देखी जाती है, क्योंकि इस अवसर पर विवाहित महिलाओं का 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। ब्रह्मयोनि पर्वत इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है ब्रह्मयोनि पर्वत। बिहार का गया शहर चारों ओर छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें हर पहाड़ी का अपना समृद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। गया की मुख्य पहाड़ियों में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि ज्यादा महत्व की है। वस्तुतः ब्रह्मयोनि पहाड़ी की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मयोनि पहाड़ी के बिना गया का इतिहास अधूरा है। पहाड़ी की चोटी पर ब्रह्मयोनि और मैत्रेयनी नाम की दो अति प्राचीन गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं के साथ ही पहाड़ी पर अष्टभुज देवी का एक मंदिर भी स्थापित है। ब्रह्मयोनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस दिन से कड़वाएं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन। पॉलिटेक्निक करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण कॉलेजों में दाखिला के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। आपको बताते चले कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की रैंक कार्ड जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। BPCLA ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 102 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 102 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, SC/ST/PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bharatpetroleum.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया इतने दिनों का अल्टीमेटम। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर बीते दिन पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते दिखे। ये सभी महागठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डिप्टी CM तेजस्वी यादव के प्रति भी उनकी नाराजगी देखने को मिली। इस बीच अभ्यर्थियों ने 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। कहा है कि 5 सितंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो उसके बाद पूरे बिहार में प्रदर्शन शुरू होगा और इसमें लाखों अभ्यर्थी जुटेंगे। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। गंगा के बढ़ते जलस्तर से राज्य के दियारा क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से दियारा क्षेत्र के लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन शाम के अपडेट के अनुसार यहां भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गांधी घाट गंगा अपने खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंगा पाथवे पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। पाथवे पर बैठने के लिए लगाए गए गुंबज नुमा कुर्सी भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है।
युवाओं को सब्ज बाग दिखाने के बजाय सरकार जारी करे नौकरी कैलेंडर। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा अब एक भी मुद्दा नहीं छोड़ रही है कि जिससे सरकार पर तंज कसा ना जा सके। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के युवाओं को सब्ज बाग दिखाने की जगह पर सभी विभागों का विभाग बाढ़ खाली पदों के एक साथ बिहार सरकार नौकरी कैलेंडर जारी करे। राजद ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी, जिसमें पहली कैबिनेट में ही उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, वह तो फेल हो गया है। फिर मुख्यमंत्री ने 20 लाख देने की बातें कही हैं। विकास के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों को दी जाएगी प्राथमिकता। नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास के कामों में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त बातें बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कही है। उन्होंने कहा है कि वैसा क्षेत्र जो पिछड़ा रहा है, खासकर नक्सल इफेक्टेड है, उन क्षेत्रों के विकास की गति को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं रोजगार को भी सुदृढ़ करना होगा, तभी जाकर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचेगी। आपको बताते चले कि पंचायती राज मंत्री अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बीते दिन सासाराम पहुंचे थे। कांग्रेस का दावा, बिहार ने करवट ले लिया है, देश की राजनीति भी अब करवट लेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन बिहार सहित देश भर में इसको लेकर अभी से ही सुगबुगाहट है। देश भर की विपक्षी पार्टियां 2024 में केंद्र से भाजपा का सफाया करने के लिए रणनीतियां बना रही हैं। दरअसल बीते दिन पटना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि आज पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में हल्ला बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 4 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी है। यह जानकारी साझा करने के लिए पार्टी ने मुझे पटना भेजा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार की माटी ने हजारों साल का व्यवस्था बदल दिया है। क्रांति और आंदोलन की प्रतिक्रिया बिहार की मिट्टी से हुई है। बिहार ने करवट ले लिया है और देश की राजनीति भी अब करवट लेगी। खेल दिवस के मौके पर सम्मानित किए गए 211 खिलाड़ी सहित 6 प्रशिक्षक। बीते दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार के 211 खिलाड़ी सहित 6 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले वैशाली जिला निवासी प्रमोद भगत को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार को 50 लाख रुपये की राशि दी गई। आपको बताते चले कि सोमवार को राजधानी के ऊर्जा सभागार शास्त्री नगर में भव्य आयोजन किया गया। चयनित सभी 211 खिलाड़ियों और 6 प्रशिक्षकों को कुल नगद सम्मान राशि 3,11,15,792 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एशियन चैंपियनशिप सैफ खेलों को भी खेल सम्मान की आधिकारिक सूची में शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के अभिभावक भी आमंत्रित थे। छापेमारी के बाद सस्पेंड हुए कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में बिहार भवन के स्थानिक अभियंता सह कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के ठिकाने से 2,61,82,000 रुपए की संपत्ति मिली थी। अब आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के बाद अब विभाग ने उस भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के आदेश में कहा गया है कि आर्थिक अपराध इकाई के SP ने 8 अगस्त को इस संबंध में सूचना दी थी। इनके खिलाफ 2,61,82,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया है। इस आलोक में आरोपी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय, 17 जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान। सूखे से ग्रस्त बिहार के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। बारिश होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। दरअसल पूरे बिहार में मॉनसून सक्रिय है। अपवाद में नवादा और शेखपुरा को छोड़कर समूचे बिहार में अच्छी बारिश हुई है। अच्छी बारिश के यह दौर 1 सितंबर तक चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लोगों के लिए एहतियात जारी कर सचेत रहने की चेतावनी दी है। वहीं पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, दरभंगा जिलों में बारिश का अनुमान है। इनके अलावे सुपौल और मधेपुरा में भी 24 घंटों के भीतर तेज बारिश हो सकती है। तीसरे दिन भी जारी रहा सफाई कर्मियों का हड़ताल। बिहार के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राज्य भर के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का 4था दिन है। वहीं सोमवार को तीसरे दिन भी सफाई कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहा। ऐसे में पूरे राज्य में सफाई को लेकर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पटना सहित बेगूसराय शहर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और सड़कों पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, जिससे लोगों को परेशानियां शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर सफाई कर्मी नगर निगम ऑफिस में तालाबंदी कर धरना पर लगातार डटे हुए हैं।
अजहानी की खूबसूरती बढ़ा रही है 3D पेंटिंग से सजी दीवार। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जारी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना की दीवारों को 3D पेंटिंग से सजाया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट के तहत पटना के करीब 40 जगहों को चिन्हित किया गया है। इस पूरी परियोजना के लिए बिहार सरकार ने 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। खासकर शहर के गंगा घाटों पर यह 3D पेंटिंग आपको काफी आकर्षित करेगा। यहाँ की गई हर एक पेंटिंग एक खास सामाजिक संदेश देती है। यह हर वर्ग के लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है। यह एक तरह से पटना के गांधी घाट से लेकर कृष्णा घाट पर बनाई गई पेंटिंग इतनी मनमोहक लगती है कि देखने वाले लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। काले धन को सफेद करने की कोशिश में पत्नी को बना दिया बिल्डर। बिहार में आए दिन जांच एजेंसियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा छापेमारी इंजीनियरों के ठिकानों पर की जा रही है। करीब 50% छापेमारी इंजीनियरों के ठिकानों पर आजकल हो रही है। इसी कड़ी में एक इंजीनियर धन कुबेर ने काली कमाई को छिपाने के लिए अपनी पत्नी को ही बिल्डर बना दिया है। दरअसल बिहार के जल संसाधन विभाग का एक कार्यपालक अभियंता अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा है। बताया जाता है कि इंजीनियर ने अपनी पत्नी को बिल्डर बनाकर अवैध कमाई को वाइट करने की कोशिश में इंजीनियर ने पत्नी के नाम पर कंपनी खोल लिया और राजधानी पटना में फ्लैट बनाने का काम करने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धन कुबेर इंजीनियर ने अपनी पत्नी के नाम कंपनी तो बनाया, लेकिन इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे परमानंद झा की। परमानंद झा नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं नेपाल के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। वो नेपाल के सबसे सफल जातिवादी पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरम से संबंधित हैं। भाषिक राजनीति के अंतर्गत मधेसी भाषा मैथिली अवधि और भोजपुरी प्रवर्धन पर वचनबद्ध दल के नेता परमानंद झा द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में हिंदी में लिया गया शपथ लोगों को आश्चर्यचकित किया था। परमानंद झा का जन्म और पालन पोषण बिहार के दरभंगा जिले में अपने मामा के घर पर हुआ था। उनके पिता नेपाल के ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र से संबंधित हैं और इसलिए वह नेपाल के वंशज मूल नागरिक और संघीय विषय है। उत्पाद कोर्ट की बुनियादी सुविधाओं को लेकर अगली सुनवाई 31 को। पटना हाई कोर्ट ने उत्पाद कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में उत्पाद कानून से संबंधित मामले बड़ी संख्या में सुनवाई के लिए लंबित हैं, लेकिन उत्पाद कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी है। इस पर पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है, साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त 2022 को होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार आगमन पर कही ये बात। बिहार में सत्ता से हटने के बाद अब सितंबर से बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे का सिलसिला शुरू होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। 23 सितंबर को उनकी पूर्णिया में विशाल जनसभा होगी, जिसमें वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के खिलाफ गरजेंगे। खास बात यह है कि 23 सितंबर को ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर की प्रसिद्ध कविता है। इन सबके बीच संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब तो बीजेपी के लोग नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, लेकिन कुछ भी कर ले, बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, उसी तरह बिहार में भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में वही होगा जो महागठबंधन की सरकार चाहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह लोग नफरत फैलाना जानते हैं, इसलिए पूर्णिया का जगह चुना है। सुशील मोदी ने रामानंद यादव को नोटिस भेज दिया, 1 सप्ताह का समय। पटना के खेतान मार्केट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को लेकर खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने खेतान मार्केट को लेकर बयान दिया था। इसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। वहीं अब इस मामले में सुशील मोदी ने रामानंद यादव को लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामानंद यादव की ओर से उन पर आरोप लगाया गया था कि पटना का खेतान मार्केट और लोदीपुर का मॉल उनका है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस संबंध में अगर रामानंद यादव के पास दस्तावेज हैं तो वो 1 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक करें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तेजस्वी के साथ मोटरबोट से राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोटरबोट के माध्यम से राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदय नारायण उर्फ भोला बाबू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। मालूम हो कि हाल ही में पटना के ICIMS में पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय का निधन इलाज के दौरान हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पूर्व मंत्री के पैतृक आवास पहुंचे।
सीबीआई के चंगुल में फंसे राजद विधायक। आखिरकार सीबीआई ने राजद विधायक को अपने चंगुल में फंसा ही लिया। दरअसल जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और कुरहानी से राजद के वर्तमान विधायक अनिल कुमार सहनी को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते दिन अवकाश और यात्रा भत्ता मामले में दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते के प्रतिरूप के रूप में जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराए थे। इसके चलते सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन 1947 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2009 में चंद्रयान प्रथम औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। हिंदी विकिपीडिया 1 लाख का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय भाषा विकिपीडिया संस्करण 2011 में बना। भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कन्हाई लाल दत्त का जन्म 1888 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह का जन्म 1895 को हुआ था। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 को हुआ था। गीतकार शैलेंद्र का जन्म 1923 को हुआ था। निधन 1659 में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन 2014 को हुआ था। हार्दिक के लिए किया गया वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हुआ वायरल। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप में टीम इंडिया की इस जीत के हीरो तो वैसे कई थे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस दौड़ में सबसे आगे रहे। लेकिन पांड्या ने तो अपने ऑलराउंडर रोल को बखूबी निभाते हुए 3 विकेट भी चटकाए और नॉट आउट 33 रन भी ठोके और विनिंग छक्का भी लगाया। हार्दिक को इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक के लिए वीरेंद्र सहवाग ने मैच के बाद जो ट्वीट किया वो खूब वायरल हो रहा है। सहवाग ने लिखा, वाह वाह वाह, जबरदस्त हार्दिक पांड्या, सब कुछ मैं करे। भूवी चड्डू और विराट ने भी बढ़िया खेल दिखाया। भारत वर्सेज पाकिस्तान मैच लंबे समय बाद देखकर मजा आया, मस्त मजा आ गया। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे लड़कियों को दिए जाने वाले 5,000 रुपए की राशि के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कन्या आशीर्वाद योजना में हर महीने लड़कियों को दिए जाने वाले 5,000 की नगद राशि के बारे में। दरअसल एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत सभी बेटियों को हर महीने 5,000 की नगद राशि मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। दिवाली को मिलेगा जियो 5G की सुविधा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 45वीं वार्षिक आम सभा में जियो 5G को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जियो ने ऐलान किया है कि दिवाली से देशवासियों को जियो 5G सर्विस का तोहफा मिलेगा। जियो 5G सर्विस को सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों से शुरू किया जाएगा। जियो की माने तो इस दिवाली यानी 24 अक्टूबर 2022 को देश में जियो 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अगले 18 माह में दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में जियो की 5G सर्विस इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संतोष कुमार, मनोज राम, रंजित मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, सुनील कुमार, पंकज कुमार दास, मुचू रंगीला, नागेंद्र कुमार, चंदन कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद अकरम और अमीन अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपका क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित है? अपने क्षेत्र का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।